तो गाइस देखिए, हमारा लिंगड़ का रायता रेडी हो गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो पिछले कल से कंटिन्यू बारिश हो रही है और अभी जाके मौसम साफ हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ भिंडू को चराने, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी तो उनको बाहर नहीं निकाला है 2 दिन से। तो आज मैं जा रही हूँ भिंडू को चराने, तो चलिए चलते। देखिए आज काफी अच्छी धूप निकली है 2 दिन के बाद, और ये मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। चलो बच्चों, चलो आगे आगे चलो यहाँ से। तो अभी मैं छट्टी वाली भिड्डू को उठा के ले जा रही हूँ, क्योंकि जल नहीं रही आज, तो आज मैं इसको उठा के ले जाऊंगी। हेलो जी, और दूसरी पीछे से आ रही है, ये देखिए। तो आज मैं इनको यहीं चराऊंगी घर के साथ ही, ये देखिए। ओ मेरी पानी की बोतल। तो मौसम देखिए, तो देखिए भिंडू कहाँ भाग गई। और ये देखिए यहाँ से कितने अच्छे फ्लावर लगे हैं, ये देखिए। तो ये मैं पानी की बोतल साथ में लेके आई हूँ और लेके आई हूँ अपनी कंघी। तो ये मैं साथ में कंघी लेके आई हूँ, तो आज मैं बाल पारूंगी। तो मैंने पिछले 2 दिन से बाल में कंघी नहीं की है, क्योंकि मेले में हम गए थे तो उस दिन मैंने बाल धोए थे, तो उसके बाद मैंने बालों में कंघी की ही नहीं। तो अभी मैं कंघी करूँगी बालों में। गाइज अभी मैंने कंघी कर ली है अपने बालों में, और अभी बहुत अच्छी धूप भी निकली है, ये देखिए। और भिड्डू वहाँ पे चर रही है, ये देखिए। तो देखिए भिड्डू कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो जो ये बला घास है, तो इसको हम बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में फाफरा। तो ये दोनों इस घास को खाने के लिए आगे आगे भाग रही है, लेकिन ये घास इनके लिए अच्छा नहीं होता है, इससे बीमार हो जाती है। तो मेरी सासू माँ ने कहा है कि ये घास खाने को नहीं देना है इनको, लेकिन ये दोनों मानती नहीं है, देखिए। और ये घास बहुत ज़्यादा लगा है यहाँ पे, तो ये इस घास को खाने के लिए आगे आगे दौड़ती है। तो मैं इनको ये घास खाने नहीं दूँगी। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मुझे आप सबके साथ एक बात शेयर करनी थी, तो उसके लिए आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आपके साथ इस बात को कब शेयर करूं, तो अब सही टाइम आ गया है कि मैं आप सबके साथ ये बात खुल के बता सकती हूं। तो उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पक्का बताऊँगी कि क्या है वो बात। तो वो एक गुड न्यूज़ है हम सब के लिए और आप सब के लिए, क्योंकि आप सब भी हमारी फैमिली की तरह ही है। तो वो बात मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो तब तक आप ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। तो अभी मौसम फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो बारिश की हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई है, देखिए। तो देखिए मौसम एकदम से फिर से ख़राब हो गया है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो अभी घर की ओर जाना पड़ेगा। और मेरी भिड्डू भी आगे आगे घर की ओर भाग रही है, ये देखिए।
तो अभी हम आ गए हैं घर वापस, और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बारिश तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी ऐसा लग रहा है। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। तो पिछले कल मेरी जेठ जी सब्ज़ी लेके आए थे जंगल से, ये देखिए लिंगड़ की सब्ज़ी। लेकिन लिंगड़ दो प्रकार का होता है, एक ये वाला होता है जिसमें बिल्कुल बाल नहीं लगे होते हैं, बिल्कुल प्लेन होता है, और दूसरा ये होता है, इसमें थोड़े थोड़े बाल भी लगे होते हैं और ये थोड़ा मोटा भी होता है, तो इसकी सब्ज़ी बनती है। तो जेठ जी गलती से दूसरा वाला भी लेके आए हैं, ये देखिए ये वाला, और इसकी सब्ज़ी नहीं बनती है। तो देखिए ये वाला लिंगड़ वो ज़्यादा लेके आए हैं जिसकी सब्ज़ी नहीं बनती है, और ये सब्ज़ी वाला कम लेके आए हैं, शायद उनको पता नहीं था तो गलती से वो बहुत ज़्यादा लिंगड़ लेके आए हैं। ये देखिए पूरा बोरी भर के लेके आए थे, लेकिन ये सारा यूज़ का नहीं है, ये हम फेंक देंगे, और इसका हम बनाएंगे आज रायता, क्योंकि सब्ज़ी के लिए थोड़ा कम है। तो ये जो लिंगड़ है ये हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है, जंगलों में, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ी होती है, और इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है, और इसका अचार भी बनता है। लेकिन हम इसका रायता बनाएंगे आज, रायता भी इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपको मैं आज बताऊंगी इसकी रेसिपी कि कैसे हम लिंगड़ का रायता बनाते हैं। तो इस वाले को हम यूज़ करेंगे आज रायते के लिए, और जो दूसरा है ये वाला, ये तो हमें फेंकना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके जो ये बाल हैं इनको साफ़ करेंगे अच्छे से, इस तरह से। देखिए इस तरह से पूरा क्लीन करना है लिंगड़ को। ये देखिए बहुत ज़्यादा बाल लगे होते हैं इसमें। जिस लिंगड़ में बाल लगे होते हैं तो उस वाले लिंगड़ की सब्ज़ी बनती है, और दूसरा जो लिंगड़ होता है जिसकी सब्ज़ी नहीं बनती है तो उसमें कोई बाल नहीं लगे होते हैं। तो अभी मैंने लिंगड़ को अच्छे से साफ कर दिया है, तो हम इसको काटेंगे बारीक। तो ये लिंगड़ को हमने कट कर दिया है, ये देखिए लिंगड़ को इस स्टीमर में डालेंगे। और इसको 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो ये हम लस्सी में डालेंगे राई 2 चम्मच। और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 1 चम्मच हम डालेंगे नमक की, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारा लिंगड़ पक गया है, ये देखिए। तो अभी इसको ठंडा होने देंगे, तो तब तक हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो अभी हम तड़का लगाएंगे रायते में। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें मिर्च, डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक हमने पहले ही डाल दिया है, और हल्दी रायते में नहीं डालती है। देखिए तड़का हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको डालेंगे इस लस्सी में। तो तड़का हमने लस्सी में डाल दिया है, अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारा लिंगड़ भी अब ठंडा हो गया है, ये देखिए, और अच्छे से पक भी गया है। तो अब इसको हम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करेंगे, मैश करेंगे।
लेंगे इस लस्सी में। तो अब इसको पूरे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हमारा रायता रेडी हो गया है, ये देखिए, ये है लिंगड़ का रायता।